भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, समतल मैदान हमको नहीं मिलता है, तो ऐसे में जो पुराना जो हमारा जो एयरपोर्ट जो शिमला का बना है वो बहुत छोटा है, और छोटे होने की वजह से जो है उसकी जो है वो जो हमारा जो मीडियम साइज का जो प्लेन होता है, क्राफ्ट होता है, उसको भी लैंड करने की वहाँ पर स्कोप नहीं है, छोटा ही आता है, तो वो हमारे सामने एक समस्या है। ढूंढ रहे हैं जगह, ढूंढ रहे हैं, मिलती है जगह तो उस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के उस शिमला वाले एयरपोर्ट को उसकी एक्सपेंशन होना वो टेक्निकली वो संभव नहीं हो पा रही है। कुल्लू एयरपोर्ट की भी हमारी सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि जहां दिल्ली से जो हमारी फ्लाइट अभी तक कुल्लू की सिर्फ एक चल रही है, और वहां पर भी एयरपोर्ट छोटा है, और पूरा लोड जो है वो जो फ्लाइट आती है वो प्लेन जो है पूरा लोड नहीं ले पाता है। 48 सीट अगर उसकी कैपेसिटी है प्लेन की, उसमें भी 35 सीट ही हम लोड दे पाते हैं, उसके बाद फिर वो उसको रनवे छोटा है। हमने ये टेकअप किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया है शिमला एयरपोर्ट की एक्सपेंशन का स्कोप नहीं है। उसमें कहा हमने कि इसके लिए कोई और जगह देखिए, वो हम देखने की कोशिश करें। कुल्लू में जो ब्यास नदी है साथ में रहती है, उसमें एक सुझाव के रूप में एक बार की टीम विजिट भी की है वहां पर, उसमें ये कहा कि उसके ऊपर जो है वो ब्रिज बना करके जो है उस तरह से आगे बढ़ा करके उसका एक्सपेंशन का स्कोप है, लेकिन वो कॉस्ट वाइज बहुत ज्यादा जा रहा है। और दूसरी बात ये कि ब्यास रिवर जो है बहुत टर्बुलेंट है, बहुत जब नुकसान करने पे आती है तो बहुत ज्यादा नुकसान भी कर पाती है। तो ये दोनों चीजों को एग्जामिन कर रहे हैं, तो अपने हमने केंद्रीय मंत्री हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनसे उनके सामने ये विषय रखा है, उनने कहा है उसको जो भी पॉसिबल हो पाएगा वो करने को। पठानकोट में जो एक घटना पीछे जो आतंकवाद की घटना हुई थी एयरपोर्ट में, और उसके बाद केंद्र सरकार ने और खासतौर से डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बात को लेकर के जरूर विचार किया है कि हमको एक और एयरपोर्ट पठानकोट के एडजॉइनिंग साथ में ऐसा उपलब्ध रहना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आवश्यकता कश्मीर के लिए पड़े, वहां से फ्लाइट की अगर ले लद्दाख के लिए पड़े, और उसके बाद चाइना का जो बॉर्डर साथ में पड़ता है, उस दृष्टि से एक टीम अभी हाल ही में विजिट भी की, उसमें कांगड़ा के एयरपोर्ट जो है वहां संभावना व्यक्त की है। वहां जमीन देने के लिए उन्होंने कहा कि जमीन चाहिए और थोड़ी, वो जमीन देने के लिए हम तैयार हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसमें हम आगे बढ़ेंगे, और कांगड़ा का एयरपोर्ट हमारा काफी हद तक सफल हो पाएगा। शिमला का जो काम जो है फोर लेन का वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, हमने उन कंपनी को कहा है कि वो जल्दी से जल्दी उनके पास ये काम है, इस काम को एक्सपेडाइट करें, और इसके कारण बहुत ज्यादा कठिनाई जो हमारे लोगों को जो है वो उस तरह से ना हो, ये हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी जो है शिमला का जो हमारा ये जो फोर लेन का काम पूरा हो सके वो दृष्टि से। और उसके साथ साथ में जो उड़ान सेकेंड फेज में, उड़ान सेकेंड फेज में जो 5 नए जो है हेलीपैड जो है उसको भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, उस पर वो हम हमको सर्विस हुआ है, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारी पवन हंस कंपनी है उनके साथ वो उस उन 5 जगह हेलीपैड्स के लिए हम प्रावधान कर रहे हैं, जिसमें चंडीगढ़ से शिमला, उसमें कुल्लू भी शामिल है, उसको हम कांगड़ा भी शामिल कर रहे हैं, और वो सारी उड़ान सेकेंड फेज में बहुत बड़ी उम्मीद है हमको कि जो हमारी इंटरनल कनेक्टिविटी हिमाचल प्रदेश की बाई एयर है उड़ान सेकेंड फेज में उसमें हमको काफी मदद